ओके, ये हमारे पास एक प्रीसाइनैप्टिक है न्यूरॉन, और ये हमारे पास एक पोस्टसिनैप्टिक न्यूरॉन है। ये हमारे पास, अच्छा ये बात हो रही है हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम की, फाइट एंड फ्लाइट कंडीशंस में, जिसके रिसेप्टर्स हमने पढ़े α1, α2, β1, β2 रिसेप्टर्स, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास कोई भी रिसेप्टर ले लें, इनमें से कोई भी रिसेप्टर ले लें, α1 भी हो सकता है, α2 भी हो सकता है, β1 भी हो सकता है, β2 भी हो सकता है, ये वाला हमारे पास α2 ही होता है हमेशा। अच्छा अब हमने पढ़नी है सिंथेसिस, न्यूरोट्रांसमीटर की बेसिकली सिंथेसिस कैसे हो रही है। जब भी हम GIT में हमने कोई खाना, कोई डाइट ली, ठीक है, हमारे पास खाना, हमने फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स ली हैं, ठीक है, मीट वगैरह खाया है, उसकी डाइजेशन हुई, वो ब्लड में गया, ब्लड में जाके वो मेटाबलाइज होके वो टायरोसिन अमाइनो एसिड हमारे पास यहाँ तक पहुँचा। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांसपोर्टर है, इस ट्रांसपोर्टर को हम बोलते हैं सोडियम टायरोसिन ट्रांसपोर्ट, को ट्रांसपोर्टर। ये टायरोसिन आएगा, ये ट्रांसपोर्टर टायरोसिन की अपटेक करेगा अलॉन्ग विथ सोडियम, सोडियम के साथ टायरोसिन की अपटेक होगी, ठीक है। अब जब अपटेक होगी तो हमने इस टायरोसिन से सिंथेसाइज करना है नॉरएपिनेफ्रिन, क्योंकि हमें पता है सिंपैथेटिक सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्रिन होता है। जिस तरह हमने पैरासिंपैथेटिक का एसिटाइलकोलाइन पढ़ा था, हमने उसकी सिंथेसिस भी पढ़ी थी, अब हमने इसकी सिंथेसिस पढ़नी है, ठीक है। अब यहाँ पे टायरोसिन हमारे पास कन्वर्ट होएगा डोपामिन, इसके लिए जो एंजाइम हमारे पास होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिलेशन हो रही है, इसलिए एंजाइम जो होगा उसको हम टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज कहते हैं, हाइड्रोक्सिलेज। अब ये डोपा हमारे पास जाएगा, दो रूट्स हैं इसके, एक तो या हमारे पास ये डोपामीन में कन्वर्ट होगा, या तो हमारे पास यहाँ पे MAO एंजाइम, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, जो हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, ये एंजाइम इसको मेटाबलाइज करके, इसको एक्सक्रीटरी इनएक्टिव मेटाबलाइट्स में कन्वर्ट करके इसको यूरिन में एक्सक्रीट कर देगा, या तो हमारे पास डोपा, फिर हमारे पास कन्वर्ट, और ये बहुत कम होगा, मतलब जिस तरह 100 से 1% हमारे पास यहाँ पे एक्सक्रीट होगा, बाकी हमारे पास डोपामीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस कन्वर्जन में जो एंजाइम होगा वो हमारे पास डोपा डीकार्बोक्सिलेज होगा। अब ये डोपामीन हमारे पास कैप्चर होगा वेसिकल्स में और उनमें स्टोर होगा, लेकिन ये कैप्चर हमारे पास डोपामीन की फॉर्म में होगा, लेकिन ये स्टोर हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन की फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांसपोर्टर होता है, ये ट्रांसपोर्टर इस डोपामीन को कैप्चर कर लेता है, ये डोपामीन जब हमारे पास आता है वेसिकल में तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन में, और इस कन्वर्जन के लिए जो हमारे पास यूज़ होता है वो हमारे पास एंजाइम है डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, ठीक हो गया। अब डोपामीन हमारे पास कन्वर्ट हो गया नॉरएपिनेफ्रिन में। अच्छा अब क्या होगा, एक एक्शन पोटेंशियल आता है, फॉर एग्जांपल एक्शन पोटेंशियल आता है ऊपर से, तो हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स हैं जो ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, ठीक है। कैल्शियम का जब भी इन्फ्लक्स होगा तो सेल के अंदर हमारे पास जो है डीपोलराइजेशन हो जाएगी, जब सेल हमारे पास डीपोलराइज हो जाएगा तो हमारे पास ये वेसिकल जो था ये जाके यहाँ पे प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएगा और बाहर की तरफ खुल जाएगा ऐसे, ठीक है, जिसकी वजह से जिसमें जितनी भी स्टोर्ड नॉरएपिनेफ्रिन थी वो सारी हमारे पास इधर क्लेफ्ट में आ जाएगी। ये मैं नॉरएपिनेफ्रिन ऐसे बना लेती हूँ, ठीक है, ये सारी नॉरएपिनेफ्रिन। अब ये नॉरएपिनेफ्रिन क्लेफ्ट में आके इसके क्या काम होंगे, ये दो जगह पर जाके लगेगी, एक हमारे पास ये प्री साइनैप्टिक रिसेप्टर है, प्री साइनैप्टिक रिसेप्टर पर लगेगी, और ये हमारे पास एक पोस्ट साइनैप्टिक रिसेप्टर पर लगेगी, ठीक है। जो प्री साइनैप्टिक रिसेप्टर होता है ये बेसिकली हमारे पास कंट्रोल करता है, ये हमारे पास रेगुलेटर होता है, मतलब किस चीज़ का रेगुलेटर है। अब आप देखें यहाँ से हमारे पास रिलीज हो रहा है और उसके साथ ही बिल्कुल रिसेप्टर लगा हुआ है, तो इसका इधर ही कोई काम होगा,
इसका ये काम है कि ये देखता है जब हमारे पास नॉरएपिनेफ्रीन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रही है तो यहाँ पे अंदर उसकी रिलीज़ को इनहिबिट करता है, और अगर नॉरएपिनेफ्रीन कम रिलीज़ हो रही है तो ये उसकी रिलीज़ को ज़्यादा कर देता है। ठीक है, ये इस तरह से रेगुलेट करता है नॉरएपिनेफ्रीन की रिलीज़ को, और ये हमेशा हमारे पास अल्फ़ा टू रिसेप्टर होता है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास पोस्ट सिनैप्टिक रिसेप्टर है वो हमारे पास अल्फ़ा वन भी हो सकता है, अल्फ़ा टू भी हो सकता है, बीटा वन भी हो सकता है, बीटा टू भी हो सकता है। हमने इन रिसेप्टर्स की पूरी स्टोरी पढ़ ली है पीछे। यहाँ पे आके हमारे पास अब नॉरएपिनेफ्रीन अटैच हो जाएगा रिसेप्टर के साथ, अपना इफेक्ट देगा पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन में। उसके बाद जब इफेक्ट दे लेगा तो यहाँ पे हमारे पास एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं COMT। ठीक है, जिस तरह हमने पीछे एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस पढ़ा था सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक सिस्टम में, इस तरह सिंपैथेटिक सिस्टम में हमारे पास होता है कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज COMT एंजाइम। ठीक है, अब ये एंजाइम क्या करता है, ये इसको ऑब्वियसली अब हर वक्त हमारे पास अगर ये नॉरएपिनेफ्रीन लगा रहेगा तो 24 घंटे तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव नहीं ना रहता, उसको हमने थोड़ी देर के लिए एक्टिवेट होता है फिर उसको इनएक्टिव करना होता है। तो ये क्या करता है, COMT यहाँ से इसको उतार लेता है एंजाइम को, न्यूरोट्रांसमीटर को, और इसको ब्रेक करता है नॉरएपिनेफ्रीन को, और इसको ब्रेक मतलब मेटाबोलाइज करता है, मेटाबोलाइज करके इसके मेटाबॉलिक जो इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करता है। जो हमारे पास यूरिन में पास आउट हो जाते हैं, जो बाकी नॉरएपिनेफ्रीन बच जाती है वो हमारे पास यहां पे एक ट्रांसपोर्टर होता है, ये उस नॉरएपिनेफ्रीन का रीअपटेक करता है, और फिर यहां पे भी हमारे पास MAO एंजाइम जो है दोबारा प्रेजेंट होता है। कुछ नॉरएपिनेफ्रीन जो है इसके हाथ चट जाती है और ये हमारे पास दोबारा मेटाबोलाइज हो जाती है, इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होकर यूरिन में चली जाती है, और कुछ नॉरएपिनेफ्रीन यहाँ से हमारे पास वापस वेसिकल में स्टोर हो जाती है जाके। ये था पूरा हमारे पास सिंथेसिस का, रिलीज का, रीअपटेक का और रिमूवल का प्रोसेस। अब इसमें अगर आपने कुछ ड्रग्स देखने हैं इंपॉर्टेंट, तो इसमें हमारे पास पहला जो यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोर्टर था जो डोपामीन को स्टोर कर रहा था, इसको जो हमारे पास ड्रग ब्लॉक करता है उसको हम कहते हैं रेजेपिन। ये ब्लॉकर है इस ट्रांसपोर्टर का, मतलब डोपामीन बनी भी होगी लेकिन वो हमारे पास स्टोर्ड नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास आता है वो ड्रग जो वेसिकल को जाके हमारे पास इस मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच नहीं होने देता, मतलब वेसिकल्स होंगी बहुत ज़्यादा न्यूरॉन में बनी हुई लेकिन वो हमारे पास जाके प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं हो सक रही होंगी और बाहर की तरफ खुल नहीं सक रही होंगी। ये ड्रग जो होता है हमारे पास जो ये काम करता है वो होता है हमारे पास ग्वानिथिडीन। स्टोरेज ब्लॉकर हमारे पास रेजेपिन है, रिलीज ब्लॉकर हमारे पास ग्वानिथिडीन है, और फाइनली जो हमारे पास रीअपटेक ब्लॉकर है, मतलब ये वाला जो हमारे पास ट्रांसपोर्टर था जो रीअपटेक कर रहा था नॉरएपिनेफ्रीन का, इसका जो ब्लॉकर होता है जो रीअपटेक नहीं होने देता उसको, वो हमारे पास होता है कोकेन एंड इमीप्रामीन। अच्छा, अब एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करें कि कोकेन और इमीप्रामीन अगर हम पेशेंट को देते हैं तो क्या होगा, उसकी नॉरएपिनेफ्रीन जो यहाँ पे सिनैप्टिक क्लेफ्ट में ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी अपटेक रीअपटेक नहीं हो सक रही और हमारे पास ये सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट होगा। लेकिन अगर हम रेजेपिन या ग्वानिथिडीन देंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ग्वानिथिडीन है तो हमारे पास रिलीज नहीं होगी इसकी, क्योंकि स्टोरेज नहीं हो रही तो ऑब्वियसली रिलीज नहीं हो सकती और यहाँ पे तो रिलीज ही नहीं हो रही, और जब हमारे पास नॉरएपिनेफ्रीन रिलीज नहीं होगी तो हमारे पास ये वाला सिस्टम जो है इनहिबिट होगा। ठीक है, तो ये थे कुछ ब्लॉकर्स और ये थे इसके सिंथेसिस और रिलीज।